नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजकुमार वर्मा, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राज एग्री टेक इस नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम आपको सरसों की खेती के दो ऐसे महत्वपूर्ण कार्य बताने वाले हैं जो आपको उचित समय पर करने हैं, जिससे सरसों से अच्छा उत्पादन लिया जा सके। किसान साथियों, ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं सरसों की फसल में यूरिया की। आपको अपनी सरसों की फसल में यूरिया की कितनी मात्रा डालनी है? तो साथियों, प्रति एकड़ खेत में 60 से 70 किलोग्राम यूरिया आपको अपनी सरसों की फसल में डालनी होती है। बात करते हैं यूरिया को कितनी बार में डालना है और किस किस अवस्था पर डालना है। किसान भाइयों, यूरिया की जो मात्रा बताई गई है उसे आपको दो बार में अपनी सरसों की फसल में डालना है। पहली बार फसल की सिंचाई के समय तथा दूसरी बार फसल की वानस्पतिक वृद्धि के समय। दूसरी बात किसान भाइयों, सरसों में कभी फूल आते समय सिंचाई ना करें, या तो फूल आने से पूर्व या फलियां बनते समय सिंचाई करें, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज पर सिंचाई करने से फूल से फली बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। साथियों, इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी सरसों की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल राज एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।